अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए, ये सब कुछ ना मोहन अंकल की वजह से हुआ है। उन्होंने इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ, उनको तो जवाब देना पड़ेगा। मैं कहती हूँ दीदी आप उनको फोन में लाइए, बुलाइए उन्हें यहाँ। नहीं 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 कृष्णी दी, पापा को यहाँ नहीं बुलाएंगे, उन्होंने उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी कोई गलती नहीं है। जो भी किया है वो मैंने किया है। क्या कहा तुमने? I'm sorry. Actually, मैं चाहती थी कि पापा अपने उसूलों के बहुत पक्के हैं और वो आपको टेंडर दिलाने के लिए कुछ भी गलत नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने पापा को वो फेक कॉल करवाया ताकि वो आपको बोल दे कि आपको टेंडर मिल गया। और वो फेक डॉक्यूमेंट्स भी आपको भिजवा दिए। कश्मीरा दी, मैंने ये सब राज के लिए किया। कश्मीरा दी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, आप तो जानती है ना, मैंने ये सिर्फ राज के लिए किया है और कोई गलती। क्या जी, मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था? नहीं नहीं ना, ये कदम उठाया तूने? जानते हो ना, जब बात तुम्हारी होती है तो किसी भी भरोसा नहीं करती। श्रुति यार, I'm sorry, मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है पर मैं तुम्हें खो नहीं सकती राज। I'm sorry राज, प्लीज मुझसे मत। श्रुति, मैंने जानबूझ के नहीं किया राज, मैं ये क्या कर दिया तुमने? श्रुति, ऐसा लगता है कि मैं एक टेंडर के चक्कर में तुम दोनों की शादी कैंसिल करूंगी? I'm sorry. तुम अच्छे से जानती हो मुझे, मैं कभी ऐसा नहीं करती श्रुति, कभी नहीं। लेकिन तुम्हारी एक गलती ने क्या से क्या कर दिया। कल को टेंडर की असलियत सबके सामने आएगी, लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे मुझसे। इतने सालों से इतनी मुश्किल से नाम बनाया था और एक मिनट में तुम्हारी एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। I'm sorry कश्मीरा दी। हाय हाय, झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए, तुम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, अब रास्ते पे आ जाएंगे, घर भी चला जाएगा, मैं मेरी डिजाइनर साड़ी से भगवान ही क्यों हो गया, तो मेरी श्रुति की वजह से हो रहा है ये सब। क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है गॉड जी? मैं बताती हूँ, ये सब तुम लोगों के पापों का फल है। ना उस बेचारी रेवा की बात सुने, तुम लोगों ने उस पर इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। लक्ष्मी बनकर आई थी वो, तुम सब ने उसका मिलकर अपमान किया है। ये तो बस शुरुआत है, आगे देखो क्या क्या होता है। हेलो,
मेरा दीदी। अंकल जी आप ठीक है ना? आपको कोनो चोट तो नहीं लगी? आप ठीक है ना अंकल जी? हाँ। कहाँ हुआ वो? वो आपको घुमाना चाहती थी। कैसे जानते आप उन्हें? बेटी है वो मेरी, सौतेली बेटी। माँ समान बहन अपने खुद के भाई की जान लेने के पीछे तुली है। हूँ, हूँ मैं उसके खून की प्यासी हूँ। ये कैसी बेटी है संकरा, जो पहले अपने भाई और अब अपने ही बाप की जान की दुश्मन बन गई है। लेकिन तुम कश्मीरा को कैसे जानती हो? नहीं, क्योंकि अभी अभी तुमने उसे कश्मीरा दीदी कहा था। वो बहुत ही लंबी कहानी है। अभी हमें चलना होगा। चलना होगा? रेवा तुम जा नहीं सकती। रेवा बेटा, हमारे यहाँ जब बड़ी बहन विदा होती है ना, तो छोटी बहन उसके साथ ही जाती है उसकी मदद करने के लिए। कहाँ चला गया ये इंसान? अब देखिए मिलके भी हम ना मिले दंगल प्ले पर टीवी से पहले।